हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का वक्त है और मेरे घर में मतलब कि बन रही है वो भी आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। लगभग अभी बचे हैं 5:30। तो बेटे को भी मैंने नहला दिया है और ख़ुद भी आ गई हूँ नहा के। उनके मतलब कि खाने पीने की मुझे तैयारी करनी है, बस नहा ली हूँ और अभी चोटी वगैरह कुछ भी नहीं की है मैंने और पूजा पाठ तक नहीं अभी कर पाई है मैंने, ओनली बस नहा कर आ गई हूँ। तो पहले तो मैंने कहा कि चलो पटे के ऊपर बैठ जाऊँ, फिर मैंने पटे को हटा दिया। मुझे ये लगा कि शायद कैमरे में थोड़ा ऊपर नीचे दिख रही हूँ, इसलिए मैंने उस पटे को हटा दिया। इधर ये गोभी आलू की सब्ज़ी बन गई, इसको मैंने लो कर दिया है क्योंकि सब्ज़ी थी जो जलने लगी थी। इंडक्शन पे खाना बनाते हैं तो ऐसा ही होता है, सब्ज़ी जलने लग जाती है। ये रात की सब्ज़ी पड़ी हुई थी कुछ, तो मैंने ना ये गर्म कर ली। क्यों? इसलिए क्योंकि हस्बैंड और बच्चे गए थे मतलब कि कहीं पर दावत का मतलब निमंत्रण था, कहीं दावत थी तो इसलिए गए हुए थे वो। और ये सब्ज़ी मतलब कि सब बच गई सुबह, तो मैंने कहा इसको गर्म कर देती, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। और मतलब मेरे पड़ोस में मतलब कि थोड़े रहते हैं हमारे जानने पहचाने वाले, तो उनको मैं कुछ भी सब्ज़ी वगैरह होती है, ज़्यादा होती है कम होती है और बच भी जाती है तो मैं उनको ही दे देती हूँ। पर मैंने इसको अभी गर्म कर दिया है, अब वो आएंगे जैसे ही सुबह होगी और पानी यानी ले से आते हैं लेने के लिए, तो उनको दे दूँगी। वो खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं उनके पास जानवर है उसको ये खिला देंगी। तो इधर गोभी आलू की सब्ज़ी कर ली मतलब कि करे ले रही हूँ, इसको मुझे बार बार चलाना पड़ता है क्योंकि ये स्टील का भगोना है और इसके अंदर मतलब कि लग ना जाए। इस इंडक्शन को मैंने रूम के अंदर रखा हुआ है, ये मतलब कि मेरा बेटा है, सुबह नहला दिया मैंने इसको और बोल दिया था पढ़ ले क्योंकि इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी मुझे मतलब इसको मैंने बोला है पढ़ने के लिए। तो अब मैं ये किचन के अंदर आ गई हूँ, सारा सामान ले आई थी मैं, इधर रोटियाँ भी मैंने बना ली है और जो मतलब मैं सुबह नहाई थी मैंने ये कपड़े धुल के डाल दिए थे। ये मेरी साड़ी है तो इसको मुझे सुखाने के लिए वक्त नहीं मिला, मैंने निचोड़ के मैंने इधर ही रख दी थी। अब मैं इसको ले जाती हूँ छत के ऊपर, इसको मुझे मतलब कि डालना है सूखने के लिए। तो फ्रेंड्स, होता है सुबह नहा तो लेंगे ना, पर ना बाल बाल चोटी वोटी करने का मुझे बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है। तो अभी मैं बिल्कुल भी तरीके से फ्री नहीं हो पाई हूँ। लगभग बज रही हैं सुबह के 9, तो ये अभी थोड़ा ओस वाला मौसम है। तो आज मतलब कि मेरे जो खेत हैं उधर गेहूं की मतलब कि ये बीज डाला जाएगा, यानी कि खेतों को बीजा जाएगा, मतलब ज़्यादा खेत नहीं है, 1 बीघा है, उसमें मतलब कि ये बीज डाला जाएगा। तो इस बीज को मतलब हस्बैंड जी ने बोल दिया था कि ये तुम उसके अंदर डाल देना, तो ये मैं उसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि ये रात में डलने थे, रात भर उसमें रहते तो ये ठीक था नहीं, मतलब कि ज़्यादा नहीं रह पाए, तो मैंने किया अभी डाल दूँ। आप सब कह रहे होंगे पानी में क्यों डाल रही है, क्योंकि ये जो गेहूँ है वो बीज के लिए मतलब कि जाएगा, यानी कि खेतों में बोया जाएगा इसको, जिससे कि मतलब कि गेहूँ की फसल तैयार होगी। तो ज़्यादा नहीं है, 1 बीघा है ओनली, तो उसमें मतलब ये गेहूं की बुआई कर देंगे। तो इसको मैं एक बार ना पसारे दे रही हूँ और ये मतलब कि ये पानी भी आप देख रहे हैं, ये कपड़ों का है जैसे मैं छत पर डालने के लिए आई थी तो ज़्यादा भींगे हुए कपड़े थे ना, तो उसको मैंने निचोड़ दिया था। बट ना इतना मुझे नहीं पता था कि इधर मेरे को गेहूं भी डालने होंगे, क्योंकि हस्बैंड भी मतलब कि नहीं सोच रहे थे कि आज ही मतलब कि गेहूं को बोएंगे, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि डाल देना और लगभग वो 12 बजे लेके जाएंगे। तो धूप आने से पहले मेरे को इसको समेटना भी होगा, उससे पहले मैं इस गेहूँ के एक एक दाने को कर देती हूँ क्योंकि अभी ओस वाला मौसम है और अभी धूप नहीं निकली है, तो छत पे भी मतलब कि ठंडक वाला है तो इससे थोड़ा सा नमी आ जाएगी गेहूँ के अंदर। तो इसीलिए मैं मतलब कि इस तरीके से पसार रही हूँ कि इसके एक एक ये दाना हो जाए और फसल अच्छी हो। तो आप सब यही प्रे करना
मेरी मतलब कि गेहूँ की फसल अच्छी हो जाए, क्योंकि पिछली बार पानी बढ़ गया था तो अच्छी फसल नहीं हुई थी और फसल थी जो सड़ गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हुई थी। जितनी मतलब कि लागत खेत के अंदर लगी उतना दाना भी नहीं हुआ खाने के लिए, पैदा नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं आप सभी से बोल रही हूँ, प्लीज़ आप ना प्रे कीजिएगा कि इस बार की फसल बहुत अच्छी हो जाए हमारी, जिससे कि घर में दाना अच्छा आ जाए। तो ये सारी मतलब कि गेहूँ को एक बार मैं पसारे दे रही हूँ, इसको इस तरीके से पसा रही हूँ कि ये दाना दाना बिल्कुल एक एक रहे, मतलब कि ज़मीन में एक एक दाना रहे और उसके मतलब कि दाने के ऊपर दाना ना रहे, इस तरीके से मुझे ये करना है। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से पसार दी है, तो अब मैं जाती हूँ मतलब कि इसको पसारने के बाद नीचे। तो आप सब बोल रहे होंगे इस गेहूँ के ऊपर क्यों, तो फ्रेंड्स ना इतने सारे मतलब कि गेहूँ हैं और मैं मतलब कि इस गेहूँ के अगर ऊपर नहीं मतलब कि खड़ी होती तो मैं ये नहीं पसार पा रही थी। तो ये देख लीजिए बिल्कुल एकदम पतली लेयर करके मैंने इसको डाल दिया है। अब ये हस्बैंड जी आएंगे, बच्चों को छोड़ने गए हैं स्कूल, तो वहाँ से लौटने के बाद इस गेहूँ को लेकर जाएंगे। और अभी ये ओद वाला मौसम है, देख लीजिए चारों तरफ कोहरा है अभी, तो अच्छी मतलब कि नमी आ जाएगी गेहूँ के अंदर। तब तक मैं फिर चलती हूँ और जब ये वैसे होंगे तो आ जाऊँगी। ये गेहूँ के मतलब कि ऊपर पैर रख दिए थे इसलिए मैंने गेहूँ को मतलब कि एक बार ना माथे से लगा लिया है। तो इधर मैं अब आ गई हूँ अपने किचन में। तो फ्रेंड्स ना मैं जब सुबह खाना बनाया था उसके बाद मतलब किचन की हालत ऐसी मैं छोड़ गई थी, क्योंकि मुझे गेहूँ डालने थे, अगर मैं नहीं डालती तो हस्बैंड जो मतलब कि मशीन वाले को बोला है और जो गेहूँ को मतलब कि बोएंगे जुताई करने के बाद, तो वो काम नहीं हो पाएगा। इसी के कारण मैंने क्या किया है कि पहले मैंने गेहूँ को डाल दिया है और बिल्कुल भी मतलब कि लेट ना हो जाए फसल, क्योंकि फसल वैसे भी एक महीने लेट बोई गई है, बहुत ज़्यादा पीछे बोई गई है। मैंने आपको बताई थी प्रॉब्लम मेरी क्या थी, मतलब कि जब मतलब कि बाजरा की कटाई होती है, जब बाजरे की फसल की कटाई होती है उस टाइम मेरी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी, तो वो उनकी मतलब कि 13वीं तक 13 दिन तो वो ही हो गए, वो उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद 13वीं के बाद फिर मतलब कि तब बाजरे की कटाई हुई, फिर उसके बाद बाजरे का दाना निकल के आया, फिर मतलब कि खेत की जुताई हुई, फिर उसके बाद ना 15-20 दिन के लिए और छोड़ा गया ताकि खेत के अंदर ओट आ जाए, मतलब कि मिट्टी के अंदर ओट बोलते हैं कुछ नमी बोलते हैं, ओट आ जाए। फिर उसके बाद फिर से उसकी जुताई हुई हुएगी, फिर आज जाके ये गेहूं की मतलब कि बुवाई होगी। तो इस तरीके से मतलब टाइम लग जाता है खेत को मतलब कि फसल उगाने में, खेत में फसल उगाने में। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि प्लीज़ आप प्रे कीजिएगा इस बार की फसल अच्छी हो जाए। तो फ्रेंड्स ये मैं आ गई हूँ, बर्तन वर्तन धुल लिए हैं मैंने, अब किचन में आ गई हूँ। अब बनाना है मुझे मतलब कि ये साफ़ करके फिर मतलब कि बनाना क्या सॉरी जाना है मुझे फिर से छत पे, क्योंकि अभी नहीं जाऊंगी, थोड़ी देर बाद जाऊंगी, मतलब कि गेहूं के ऊपर धूप ना आ जाए उससे पहले मुझे इकट्ठा करना है, जब तक वो ओस में रहेंगे लगभग मुझे 12 बजे से पहले इकट्ठा करना है, क्योंकि 9 बजे की टाइम में मैं डाल के आई थी छत के ऊपर, तो इतनी मतलब कि हल्की फुल्की नमी तो आ गई। अगर ये रात में डल जाते तो और भी ज़्यादा अच्छा था, रीज़न ये था रात में मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि रात के टाइम में मतलब कि बादल वगैरह थे और बूंदेबांदी हो रही थी, आपको तो पता है सर्दियों का टाइम है, अगर मैं सो भी जाती, अगर ये बारिश होती तो ये सारा गेहूँ था जो नाली के जरिए पानी में बहता हुआ पानी के जरिए बहता हुआ नाली में चला जाता, सॉरी मिस्टेक हो गई बोलने में। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये मतलब कि वीडियो कब का है, तो हर बार मैं आपको बोलती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको मिलेगा 20 दिन बाद, तो ये मतलब कि दिसंबर का है ये वीडियो, मतलब कि स्टार्टिंग दिसंबर का है ये वीडियो, तो काफ़ी मतलब कि लेट हो जाता है, आगे पीछे भी हो जाता है कई कई वीडियो, तो इसीलिए मतलब कि टाइम टू टाइम वीडियो आपके पास इसीलिए नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वीडियो मेरे एक्स्ट्रा में पड़े रहते हैं। तो
ये मैं इधर पोंछा लगा लेती हूँ। तो इधर मैं पोंछा लगा रही थी तभी कुछ मतलब कि एक डोरा सा था उसको उठा के मैंने फेंक दिया, क्योंकि ऐसा ही था मतलब कि कुछ जगह वगह, तो उसको मैंने उठा उठू के फेंक दिया। अब ये मतलब कि सारा मैं इधर सुखाई ले रही हूँ पोंछा करके। तो फ्रेंड्स है ना, जो भी काम होते हैं हस्बैंड मतलब कि हस्बैंड वाले, तो मतलब कि मुझे ये नहीं है कि हस्बैंड ही मतलब कि करेंगे, जैसे गेहूँ को इधर से उधर करना, उठाना डालना ये। तो बस इतना मेरे को बोल दिया था उन्होंने कि ये वाला काम करना है, तो बस मैं उतना ही समेट के मैंने कर लिया है। और बट ना वो खुद ना ये गेहूँ को लेकर जाएंगे खेतों में और फिर उसकी फसल की बुवाई होगी, यानी कि गेहूँ की बिजाई होगी और इसको बोया जाएगा। फिर उसके बाद मतलब कि वो इसमें मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। तो इधर फिर पहुँचा ऊँचा तो मैंने कर लिया था, आपको पता तो सुबह ही सुबह के वक्त ही मैं नहा ली थी। फिर मैंने इधर मतलब कि हाथ वाथ धुल लिए हैं मैंने अच्छी तरीके से, क्योंकि बर्तन झाड़ू पहुँचा सब कुछ मैंने कर लिया है। अब मैं मतलब कि चाय वगैरह पी लूँगी। चाय पीने के बाद फिर ये मतलब कि थोड़ी देर मैंने मोबाइल लिया एडिटिंग की, रिकॉर्डिंग की, और फिर से मैं छत पे आ गई हूँ। तो लगभग अब 12 बजने जा रहे हैं और ये धूप देख लीजिए आप बहुत ज़्यादा आ गई है। सूर्य नारायण भी आ गए हैं, ये टीन के कारण इतनी धूप बची हुई है, नहीं तो गेहूँ पर धूप आ जाती, इसीलिए मैंने इसको उसमें डाल दिया था। बट अब इस पर धूप ना आ जाए इसलिए मैं इसको इकट्ठा करे दे रही हूँ। अगर धूप आ जाएगी तो ये फिर से मतलब कि सूख जाएंगे, इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से इकट्ठा करे दे रही हूँ। और इसको इकट्ठा करके मैं बोरी में भर दूँगी। हस्बैंड आएंगे मतलब कि 3-4 बजे की टाइम, तो उस टाइम मतलब ये गेहूँ को लेकर चले जाएंगे वो। तो फ्रेंड्स है ना, इस गेहूँ को इकट्ठा करने के लिए ये मतलब कि टीन का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो मेरे को ये ही जुगाड़ अच्छी लगी, क्योंकि जो हाथों से मतलब ये इकट्ठा करना पड़ता तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने क्या किया है, मैं इस तरीके से इस टुकड़े को लेकर और इससे मैं समेटे जा रही हूँ, तो इससे बहुत जल्दी हो रहा है और एक एक दाना मतलब कि बिल्कुल ना नहीं इधर का उधर हो रहा है और बिल्कुल अच्छी तरीके से इकट्ठा हो गया है, जो मतलब कि ना ही हाथ से होता और ना ही झाड़ू से होता। तो ये वाला आइडिया मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इसमें दिमाग लगाया और बस अपना काम होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स ना, इसको मैं अब बोरी में फिर से भर लूँगी। तो अगर आप भी गांव से हैं या फिर आप भी मतलब कि आपके घर में आपकी लेडीज़ यानी वाइफ वगैरह इतनी मेहनत करती हैं, तो प्लीज़ ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपका मुझे आपका और आपके सपोर्ट का मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है और आपकी हेल्प की भी मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, बोरी काफ़ी ना मतलब कि आधे से मतलब कि थोड़ी खाली थी, तो एक बार मैंने इसको उठा के फिर से मैंने इसको ज़मीन में रख दिया ताकि ये गेहूँ एक से हो जाए और मैं इसको फिर से भर लूँ। तो ये सबको मैंने इसमें मतलब कि ये ढक्कन है, ये टीन का टुकड़ा है, इसी के अंदर मैंने इकट्ठे कर करके इसको मैंने बोरी के अंदर ऐड कर दिया है। तो ये सारे को इकट्ठा करके गेहूँ को अब मैं रख जाती हूँ एक साइड में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरी वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर से मतलब कि शेयर करती रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जितनी भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई मैं इसे बोलने में, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप सभी से हाथ जोड़कर। क्योंकि फ्रेंड्स है ना, जब थोड़ी सी टेंशन दिमाग में हो जाती है तो वर्ड्स कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, तो मैं एक बार सॉरी बोल रही हूँ मिस्टेक की वजह से। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।